इस प्रयोग का उद्देश्य अलग अलग आपातित कोणों के लिए प्रिज्म से जाने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग का आलेखन करना तथा विचलन कोण नापना यह है। इसके लिए हमें प्रिज्म, ड्राइंग बोर्ड, सफेद कागज, पेपर पिन, ड्राइंग पिन इत्यादि वस्तुओं की आवश्यकता होगी। ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज को पेपर पिन की सहायता से ठीक तरीके से लगाएं। अब प्रिज्म का त्रिकोणीय पृष्ठभाग कागज के मध्य में रखें और पेंसिल की सहायता से प्रिज्म की सीमा रेखाएं बना लें। उसे ए बी सी ये नाम दें। अब प्रिज्म को हटा लें। ए बी सी त्रिकोण के ए बी बाजू पर एक बिंदु लें जिसे क्यू ये नाम दें। अब इस क्यू बिंदु से एक लंबवत बनाएं जिसे हम एल एम कहेंगे। एक और किरण पी क्यू बनाएं जो लंबवत के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही हो। किरण पी क्यू पर दो पिन लगाएं, पी वन और पी टू। हम प्रिज्म पुनः एक बार त्रिकोण एबीसी पर रखेंगे। हमने जो पिन लगाए थे पी वन और पी टू, उन्हें हम एसी की बाजू से देखेंगे। अब हम उस और पिन पी थ्री और पी फोर इस प्रकार लगाएंगे कि वे तथा पी वन पी टू का प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में हो। इसके उपरांत हम प्रिज्म और पिन निकाल लेंगे। हम पिन पी थ्री और पी फोर से एसी बाजू की ओर एक रेशा बनाएंगे जिसे हम एस और आर कहेंगे। यह रेशा एसी और आर बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। हम आर बिंदु के जरिए एसी पर एक लंबवत निकालेंगे। हम किरण पी क्यू और एस आर को विरुद्ध दिशा में इस प्रकार बढ़ाएंगे कि वो के बिंदु के पास आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। पी क्यू और एस आर के बीच निर्मित कोण को नापे, इसे ही विचलन कोण कहा जाता है, जिसे डी से दिखाया जाता है। कोण पी क्यू एल आपातित कोण है और कोण एम क्यू आर अपवर्तन का कोण है और कोण एस आर वाय निर्गत कोण है। आपातित कोण, अपवर्तित कोण और विचलन कोण को अर्थात आई आर और डी को 45 डिग्री के लिए नापे। यही प्रक्रिया आपातित कोण 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए भी करके देखें। आप पाएंगे कि आपातित कोण धीरे धीरे बढ़ते जाता है और विचलन कोण कम होता जाता है। आपातित कोण के एक निश्चित मूल्य प्राप्त करने के उपरांत विचलन कोण का मूल्य बढ़ने लगता है, जिसे न्यूनतम विचलन का कोण कहा जाता है। इस प्रकार हम प्रकाश किरण का त्रिकोणीय क्षेत्र में व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं।